नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं बड़ी बात। बड़ी बात में आज हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे हरियाणा की सियासत के बड़े मुद्दे की, बड़े गठबंधन की। हरियाणा में 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल और साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया। तो दोनों पार्टियों की ओर से ऐलान किया जा चुका है, साथ ही साफ तौर पर यह कहना है कि उनका यह गठबंधन जो है देश को बीजेपी मुक्त कर देगा। लेकिन हरियाणा की जनता को गठबंधन कितना रास आएगा, यह बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखें। चौदह साल से सत्ता से बाहर चल रही इनेलो सत्ता के रास्ते ढूंढती गठबंधन को तैयार हो गई है। हरियाणा की राजनीति में लंबे समय से सुगबुगाहट रही, दोनों पार्टियों के नेताओं की मुलाकातें भी चलती रहीं। आखिरकार बुधवार को चंडीगढ़ में इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का ऐलान कर दिया गया। तमाम कयासों पर अंकुश लगा दिया गया। अब हरियाणा में इनेलो और बसपा आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेगी। इस मौके पर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा, बीएसपी प्रांतीय अध्यक्ष प्रकाश भारती दोनों मौजूद थे। भाजपा मुक्त प्रदेश कैसे बने, इसके लिए हम लोगों ने बैठ करके आपस में फैसला किया कि हम आपस में लोकसभा का भी और विधानसभा का दोनों चुनाव आपस में मिलकर के गठबंधन के तौर पे लड़कर के भारतीय जनता पार्टी को बाहर इस प्रदेश से करने का काम करेंगे। मैं उसके लिए आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। अब समय है बदलाव का, दलित पिछड़े और किसान का, मिलकर के बनाएंगे नई पहचान, अब समय है बदलाव का। इनेलो और बीएसपी के गठबंधन से राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर है, लेकिन गठबंधन नया नहीं है। दोनों दलों के बीच 1998 में भी गठबंधन हुआ था और तब इनेलो बसपा के बीच 6-4 पर समझौता हुआ था। 6 सीटों पर इनेलो और 4 सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनेलो ने 6 में से 4 सीटें जीती थी, जबकि बसपा को 4 में से सिर्फ 1 सीट पर ही विजय हासिल हुई थी। इनेलो और बीजेपी में गठबंधन होने पर 1999 में इनेलो ने बीएसपी से किनारा कर लिया था। हरियाणा का इतिहास गवाह है, इनेलो ज्यादातर बिना गठबंधन के सत्ता में कभी भी नहीं आई। इनेलो का ज्यादातर राजनीतिक गठबंधन अतीत में होता रहा है। 2014 में इनेलो और बीजेपी ने 90 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़े। इनेलो चुनावों से पहले गठबंधन करके वोट प्रतिशत में इजाफा करने का जबरदस्त दावा खेल गई है। इस गठबंधन से कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती मिल सकती है। साल 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इनेलो और बीएसपी में गठबंधन अपने तेवर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इनेलो में पहले भी दलित और पिछड़ी जाति के विधायकों की संख्या कम नहीं है। मिशन 2019 के लिए इनेलो बीएसपी गठबंधन के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने क्या कहा, वो सुनिए। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में होगा, तो चाहे एक दो लोग और भी मिल जाए, अभी और भी गुंजाइश बाकी हो तो और भी पूरे कर लें। बाकी हाथी चश्मा पहनेगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, ना हाथी बचेगा ना चश्मा बचेगा। उलट फेर रही है, प्रदेश की जनता जानती है कौन सच्चा हितकारी है, कौन उनके साथ खड़ा है और किस तरीके से। ये तो कमजोर जो है, कमजोरी की निशानी है। अब 2019 में ये गठबंधन कितना रास आएगा, दलित वोट बैंक को रिझाने में गठबंधन कितना कामयाब रहेगा, जातिगत समीकरण साधने की परिपाटी पर लिया गया ये चुनावी फैसला क्या इनेलो का सत्ता से बनवास खत्म कर पाएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से कुमार रमेश की रिपोर्ट। तो समय बदलाव का है, समय नई पहचान बनाने का है। किसानों और कमेरों की सरकार आएगी, ये लगता है इनेलो को, साथ ही बीएसपी को भी यही लगता है। लेकिन जनता क्या सोचती है इस गठबंधन को लेकर, वो 2019 में साफ हो पाएगा। लेकिन नेता विपक्ष अभय चौटाला क्या कहते हैं, एक बार फिर सुने। भाजपा मुक्त प्रदेश कैसे बने, इसके लिए हम लोगों ने बैठ करके आपस में फैसला किया कि हम आपस में लोकसभा का भी और विधानसभा का दोनों चुनाव
आपस में मिलकर के गठबंधन के तौर पे लड़कर के भारतीय जनता पार्टी को बाहर इस प्रदेश से करने का काम करेगी। मैं उसके लिए आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। अब समय है बदलाव का, अब समय बदलाव का, दलित पिछड़े और किसान का, मिलकर के बनाएंगे नई पहचान, अब समय है बदलाव का। तो समय बदलाव का है और जो विचारधारा इनेलो पार्टी की समझी जाती है, साथ ही दलित वोट बैंक जो है बीएसपी से जुड़ा माना जाता है, क्या उसको लेकर बदलाव देखा जाएगा? और साथ ही जो जातिगत समीकरण साधने की कोशिशें की गई है, उस परिपाटी पे कितनी दोनों पार्टियां कामयाब हो पाएंगी? हरियाणा की आवाम को कितना रास आएगा ये गठबंधन? और साथ ही पहले भी जिस तरह से गठबंधन किया गया, बहुत ज्यादा दूर तक साथ नहीं चल पाए, क्या उसी तरह की चीजें देखने को ना मिल जाए? उसको लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं स्टूडियो में। हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ हैं रंजिता मेहता जी, इनेलो से प्रवक्ता हमारे साथ अशोक शेरवाल जी हैं स्टूडियो में, साथ ही बीएसपी से प्रवक्ता हैं हमारे साथ नरेश सारण साहब, बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र विद्या अलंकार हैं और नीलम जी थोड़ी ही देर में हमारे साथ बीजेपी की ओर से होंगी। बहुत स्वागत है सभी का। शुरुआत करेंगे इनेलो से। अशोक जी, क्या लगता है, वनवास टूट जाएगा आप लोगों का इस गठबंधन से? देखिए, जहां तक ज्योति जी आपने वनवास की बात कही है, इंडियन नेशनल लोकदल एक आंदोलन का नाम है। राजनीतिक पार्टी हम राजनीति कम करते हैं, बल्कि आंदोलन हम संघर्ष का रास्ता एक अख्तियार करके, जो हमारे जन नायक उपी चौधरी देवीलाल जी ने हमें सिखाया है, हम संघर्षरत हैं। और जो आज ये मेल हुआ है, हमारा दो दलों का मेल नहीं बल्कि दो दिलों का मेल हुआ है। यदि हम अतीत में जाएं, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी, जो माननीय साहब काशीराम जी ने भी ये एक संघर्ष के माध्यम से एक आंदोलन खड़ा करके दबे कुचले को आवाज़ को बुलंद करके, दबे कुचले को आगे लाने के लिए, सर्व समाज को बराबरी पे लाने के लिए, वही मिशन जन नायक उपी चौधरी देवीलाल जी ने चलाया और वही मिशन साहब श्री काशीराम जी के द्वारा चलाया हुआ। ये दिलों का मेल पहले भी हुआ, आपने कहा कि दिलों का मेल नहीं है, ये दिलों का मेल बहुत कामयाब नहीं हो पाया था। देखिए, ये मैं ज्योति जी उसी पर मैं आना चाहूँगा। जहाँ तक हरियाणा की राजनीति की पृष्ठभूमि की बात करूं और देश की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करूं, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस ने राजपाट 70 साल में से तकरीबन 60 साल राजपाट किया। कांग्रेस के राजपाट से देश की जनता इतनी दुखी हो चुकी थी कि जनता कांग्रेस को चलता करना चाहती थी। उस अतीत में भी 98 की बात मैं सुनाना चाहूँ, जब हमारा गठबंधन हुआ था तो कांग्रेस को उस समय भी चलता करना चाहती थी। तो उस समय बीजेपी को हमने इस जिस तरीके से आज आजमाया है, उस समय शायद हमें बीजेपी को नहीं आजमाया, बीएसपी को भी तो आजमाया गया ना फिर 1998 में आप लोग साथ आते हैं जहां, लेकिन आज बीजेपी को हम आजमा चुके हैं। 1999 में आपको बीएसपी रास नहीं आती क्या? बीजेपी आज कांग्रेस से भी चार कदम आगे निकल चुकी है, भ्रष्टाचार के मामले में भी, महंगाई के मामले में भी, कानून व्यवस्था के मामले में भी। आज कानून, चाहे आज किसान है, चाहे दलित है, चाहे पिछड़ा है, कितने ही हर वर्ग आज सड़कों पे आज आंदोलनरत है, आज कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आज मौजूदा सरकार है, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार। चलिए, आपको लगता है कि मौजूदा सरकार के उस वक्त भी मौजूदा सरकार इनेलो को लगती रही, बीएसपी का पक्ष जानेंगे। मेघराज के साथ हमारे संवाददाता कुमार रमेश ने खास बातचीत की, वो सुनिए। हरियाणा ही नहीं, देश में भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ एक गठबंधन हो गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों ही एक साथ लड़े जाएंगे। डॉक्टर साहब, विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव दोनों के साथ लड़ने की तैयारी है, गठबंधन को आगामी रूप जो दिया गया है, आगे और क्या भविष्य देखते हैं? निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो ये जो है हरियाणा प्रदेश की जनता की मांग को स्वीकार किया है, हरियाणा प्रदेश की जनता को गठबंधन का आशीर्वाद दिया है, ये आने वाले समय में एक बहुत मजबूत इतिहास रचेगा और हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इनेलो के गठबंधन की सरकार निश्चित तौर से बनेगी और देश के अंदर पर निश्चित तौर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, पूरे देश के अंदर ये जनता स्वीकार कर रही है कि पूरे देश को अगर कोई नेता संभाल सकती है आज के दौर में और प्रधानमंत्री बनने के लायक कोई नेता है तो केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। सुना कि कांग्रेस को इस गठबंधन से दूर रखा जाएगा, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का तीसरे फंड में जब जो समय आएगा माननीय बहन जी स्वयं फैसला लेंगे। आपके कार्यकर्ताओं ने शुरू से लेकर अब तक बड़ी मेहनत करी है, पिछले चार सालों की बात करें या उससे पहले भी,
अमूमन देखा जाता है कि जब दो पार्टियों को समझौता होता है तो कई बार कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो जाती है। कार्यकर्ताओं को कैसे भरोसा देंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की हर कोई चाहता है उसको फल की इच्छा जरूर होती है। निश्चित तौर से अब की बार का ये गठबंधन कार्यकर्ताओं की डिमांड पर ही हुआ है, इसलिए उनको खुशी है। आगामी क्या रूप देखते हैं लोकसभा के लिए, कुछ बंटवारा हुआ सीटों का या अभी बाद में विचार होगा? जैसे चुनाव नजदीक आएगा और उसमें सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। पिछले समय से देखा जाता रहा है कि एक एक सीट आई, शुरू में चौधरी अकरम खान रहे, उसके बाद अभी टेकचंद जी रहे, तो इस सीटों को बढ़ाया कैसे जाएगा, क्या विचारधारा? गठबंधन के माध्यम से हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी इनेलो के साथ में मिलकर के, और निश्चित तौर से उसमें जब हमारे एक से ज्यादा विधायक जीत करके आएंगे, और पूरा भरोसा है कि अब के बार में एक का ये जो तमका लगता है बीएसपी को 100% टूट जाएगा, अनेक विधायक जीत करके आएंगे और हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की सरकार बनेगी। इंडियन नेशनल लोकदल का जो आगामी कार्यक्रम है 1 मई को जेल भरो आंदोलन, उसमें क्या पूरा सहयोग कर रहे हैं? अभी जितने भी कार्यक्रम होंगे संयुक्त रूप से सब मिलजुल करके चलेंगे। तो ये थे डॉक्टर मेघराज, जो साफ तौर पे कहते हैं इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो आगे भी सफल रहेगा और उनके साथ मिलकर के कार्यक्रम तय होंगे। कैमरामैन विनोद दीवान के साथ कुमार रमेश, खबरें अभी तक, चंडीगढ़। तो देखिए, खास बात जो है ये वो है कि दोनों ही पार्टियों को लगता है कि बीजेपी मुक्त भारत कर दिया जाएगा, लेकिन इनेलो कहती है कि तीसरा मोर्चा जो बनाया जाएगा वो कांग्रेस मुक्त भी होगा, लेकिन बीएसपी ने इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं की है। अशोक जी, बीएसपी ने अभी ये साफ नहीं किया कि वो कांग्रेस के बगैर जाएगी पूरे ही देश में, जबकि इनेलो की ओर से, अभय सिंह चौटाला की ओर से कहा गया कि उस तीसरे मोर्चे का सहयोग करने को तैयार है, मदद करने को तैयार है, जो कि बगैर कांग्रेस होगा, बगैर बीजेपी होगा। देखिए, इस देश की जनता, मैं पूरे देश की जनता की बात करना चाहूँगा, प्रदेश की जनता की भी बात करना चाहूँगा। आज देश की जनता और प्रदेश की जनता तीसरे मोर्चे की तरफ देख रही है, क्योंकि आज भाजपा को भी देख चुकी है और कांग्रेस को भी देख चुकी है। इन दोनों की दलों में, करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है, इसलिए तीसरे मोर्चे की आज जरूरत है। जिस प्रकार जननायक विपुल चौधरी देवीलाल जी ने 87 के अंदर सभी दलों को मिला करके इस देश की राजनीति के अंदर एक उफान पैदा किया था, वही परिस्थिति आज देश के अंदर बन चुकी है। सवाल ये तो है कि कांग्रेस के बगैर देखिए, आज हमारे पास बहन मायावती जी का चेहरा है और आज इंडियन नेशनल लोकदल की एक मंशा है, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल की नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो भी तीसरे गठबंधन में शामिल होंगे उनका ये सभी का मंशा है कि इस प्रदेश को यदि कोई नेतृत्व दे सकती है तो बहन मायावती जी दे सकती है। आप लोगों का मकसद है कांग्रेस मुक्त होगा, तीसरा मोर्चा जो होगा, रंजीता जी, अभी बीएसपी की ओर से साफ नहीं किया गया, मेघराज को भी सुना अभी हमने। देखिए ज्योति, बहुत ही हास्यास्पद लगता है जब एक दल 14 साल से सत्ता से बाहर हो और कहीं ना कहीं वेंटिलेटर पर जा सका हो और उसको लगे कि शायद एक ऑक्सीजन कहीं से मिल जाए। तो आप गए थे जी, शेरवाल जी, जब की दे रहा है, मैं एक मिनट भी बीच में नहीं बोल रही, आप तो ओपोजिशन लीडर तक नहीं बने हैं, आप वेंटिलेटर पर कैसे बोल रहे हैं? जब ये बोल रहे हैं वेंटिलेटर पर कैसे बोल रहे हैं? आप ओपोजिशन लीडर हैं, आप तो ओपोजिशन लीडर तक नहीं बना सकते, वेंटिलेटर पे आप हैं। किसी की वेंटिलेटर पे आप हैं, चुप से रहेंगे वेंटिलेटर पे आप नहीं, वेंटिलेटर पे आप हैं, हम नहीं है वेंटिलेटर पे, चुप रहो, ओपोजिशन लीडर है सर, सुनेंगे प्लीज। चुनाव आप हार गए रंजीता जी, चुनाव आप हारे, वोट प्रतिशत भी इन लोगों के पास ज्यादा है, विधायकों की संख्या भी इन लोगों के पास ज्यादा है, जब कैसे करें वेंटिलेटर पे थे, सांसदों की बात होगी तब भी ये लोग कहेंगे, अगर ये बीच में नहीं बोलेंगे तो वेंटिलेटर पे, वेंटिलेटर वाली बात जब आपकी बारी आएगी आप जवाब दीजिए, जब आप जल्दी बोलेंगे तो बोलूंगा मैं, चाहे आप जो आप बोल रहे हो कांग्रेस के बारे में आप कुछ बोलते रहे, आप इवन सत्ता में 10 साल रहने के बावजूद आप वेंटिलेटर तक नहीं बना सके, चर्चा कैसे होगी? तो आप पड़े हैं, देखिए चर्चा ऐसे कैसे होगी आपको पूरा समय दिया मैंने जवाब देने के लिए, अब सुन लीजिए सर, आप भी तो कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं, आप भी तो बीजेपी मुक्त भारत की बातें करते हैं, अगर इनेलो को कांग्रेस वेंटिलेटर पर कहेगी तो इतनी परेशानी क्यों है सर? सुनिए फिर आज के बॉल में आज क्या स्थिति, कांग्रेस की स्थिति क्या है? 14 सालों से सरकार से बाहर है, ये कहा रंजीता जी ने कि वेंटिलेटर पर इनेलो जा चुकी है, 14 साल से आप सत्ता से बाहर है। चलिए सुनिए सुनिए तब पता चलेगा, सुनिए अभी ज्योति जी, 14 साल से एक सत्ता जब से बाहर होती है एक पार्टी तो बौखलाहट होनी जरूरी है, और आज जो ये मेल हुआ है कहीं ना कहीं बेमेल हुआ है, वैचारिक जो है इनकी आपस में नहीं मिलती। आपको याद होगा कि मायावती जी का एक ही नारा था कि हम एंटी दलित जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं,
आज इन्होंने गठबंधन किया, पहले तो इस बात का निर्णय कर ले कि कितनी सीट्स के ऊपर कौन सी पार्टी लड़ेगी और इनका मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि एक पार्टी जो है दलितों की बात करती है, दूसरी पार्टी ये कहती है कि पहले मैं जाट हूँ उसके बाद मैं मुख्यमंत्री था या मैं किसी पार्टी का नेता हूँ। आप ये देखिए कि जो पहले जब इनका गठबंधन हुआ था 1998 के अंदर, ये लोग चुनाव लड़े और जब शाम को रिजल्ट आते आते इनका गठबंधन टूट गया, तो ये फेविकोल के मजबूत जोड़ में कब पानी डल जाता है कब तेल डल जाता है इसे सारी जनता जानती है। पहले जब इनका गठबंधन हुआ था तो जितने भी कार्यकर्ता थे उनके मन में एक नाराजगी थी और उन्होंने एक नारा लगाया था कि पत्थर रख लो छाती पर और मोहर लगाओ हाथी पर, और आने वाले समय में इनका नारा ये होगा कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर और गोली बजेगी छाती पर, और मैं तो हाथी को भी सलाह दूंगी जनाब हाथी को भी बजा के रखी कहीं गोली हाथी पे ना चल जाए। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी का वर्चस्व जब खत्म होने वाला होता है तो इस तरीके के सहारे लेकर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। पर पहले जो इतिहास रहा है हरियाणा के लोग कभी भी राजनीति के अंदर दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन को स्वीकार नहीं करती और आने वाले समय में भी यही होने वाला है, आपके सामने आ जाएगा। गठबंधन हालांकि होते रहे हैं हरियाणा में, इनेलो जब जब सत्ता में आई गठबंधन के साथ ही सत्ता में आती रही है, अभी उसके बाद विधायकों को पीटती है, मंत्रियों के मुंह काले करती है, उचाना के मंत्री थे कृपा परम पुनिया उनका मुंह काला करके उनको पार्टी सिद्ध करिया, उनको सिद्ध करिया, मैं ना कर रही हूं कृपा परम पुनिया, उचाना उचाना से कृपा परम पुनिया मंत्री थे आपने उनका मुंह काला किया, किसका किया कृपा परम पुनिया, कृपा परम पुनिया, कृपा परम पुनिया, कृपा परम पुनिया, मैं कह रहा हूं गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, नरेश जी क्या लगता है आपको कि इनेलो के साथ आप लोगों की नैया जो है पार हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार का अनुभव बहुत अच्छा नहीं था आप लोगों का? देखिए पहली बात तो आज मैं इस जो गठबंधन हुआ है नेचुरल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जो विपक्ष के नेता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, जो आज ये गठबंधन दिलों का गठबंधन हुआ सबसे पहले तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। और ये गठबंधन दलितों का पिछड़ों का गरीबों का वंचितों का और सर्व समाज के तमाम लोगों का गठबंधन है, और ये गठबंधन हरियाणा में आने वाले जो चुनाव हैं समय में जो होंगे 2019 में या 18 में होंगे जैसे भी चुनाव होंगे तो हरियाणा में अपना ये गठबंधन परचम लहराएगा, और 90 की 90 सीटें विधानसभा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें गठबंधन जीत करके आएगा। राजकुमार सैनी इस गठबंधन का पार्ट रहेंगे ये भी क्लियर कर दीजिए, और वो किस पार्टी के नेता बनेंगे इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। शेरपाल जी सवाल मैं उससे पूछती हूं, बकलाहट आपकी शुरू हो जाती है, सवाल मैंने बसपा से पूछा होगा, इस गठबंधन से कांग्रेस और बीजेपी आपकी नींदें उड़ने वाली है, और बीजेपी बकलाहट बकलाहट गई है, पार्टियां कांग्रेस पार्टी बकलाहट चुकी है, बीजेपी बकलाहट है, हम जीतेंगे, हम जीत करके आएंगे, गठबंधन जीतेगा, ये जनता का गठबंधन है। आपने कहा 90 की 90 सीटें जीतेगा गठबंधन, लेकिन कोई बुनियाद है शेरवाल साहब नहीं, ऐसी चर्चा कैसे होगी सर, पैरेलल बोलते रहेंगे चर्चा थोड़ी होगी। देखिए जनता की इच्छाओं पे गठबंधन, क्या बुनियाद है 90 सीटों की और जनता की इच्छा है इसके पीछे क्या फैक्टर है? देखिए इसका फैक्टर यह है कि नेलो और बीएसपी साथ आए, देखिए इसका फैक्ट यह है कि आज तक 52% जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं इस देश के अंदर, ना तो बीजेपी ने उनको कभी गले लगाया, ना कांग्रेस ने उनको कभी गले लगाया, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कभी भारत रत्न की उपाधि कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कभी भारत रत्न की उपाधि नहीं दी। जिससे जवाब लिया जा रहा है उनका जवाब सुनेंगे, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से जी। देखिए जो 52% पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आज दुखी हैं, उनका आज तक ना तो बीजेपी ने समर्थन किया है और ना कभी कांग्रेस ने उनका समर्थन किया है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस पार्टी ने कभी भारत रत्न तो नहीं दिया, उनको सम्मान नहीं दिया, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, पिछड़ा दुखी है, आज हरियाणा में तमाम क्लियर नहीं किया सर, तमाम वर्ग के लोग दुखी है। सुनिए कांग्रेस को लेकर आपकी सुप्रीमो ने क्लियर नहीं किया, आप ही
अभी डॉक्टर मेघराज को हमने सुना कि कहा कि मायावती ही बताएंगी, बहन मायावती ही साफ करेंगी कि कांग्रेस के साथ बीएसपी जाएगी फिर या नहीं। देखिए मैं हरियाणा की चर्चा करूंगा। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हाँ। हो चुका है, ये तय है और ये परचम लहराएगा आने वाले चुनाव में। नहीं, हरियाणा की तो बात करेंगे लेकिन कांग्रेस की भी बात कीजिए ना, बीएसपी और कांग्रेस की भी बात कीजिए। फिर देखिए फैसला बहन जी का है, अभी 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 उत्तर प्रदेश के अंदर दो जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को साफ रास्ता दिखा दिया है और आज बीजेपी में बौखलाहट है। आज यहाँ पर जो है ना देश के अंदर बेरोजगारी है, वो भी वायदा पूरा नहीं किया गया, 15-15 लाख रुपए का वायदा पूरा नहीं किया गया और आज दलित पिछड़े वर्ग की बहन बेटी के ऊपर अत्याचार है, बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। एक बार फिर से करेंगे कि बौखलाहट किस बीच है और किन मुद्दों को लेकर है। नीलम जी, बीजेपी मुक्त किए जाने की बातें की जा रही है कि पूरा ही राज्य पूरा ही देश त्राखी त्राखी कर रहा है तीसरे मोर्चे की शुरुआत। जी, पहली बात तो ये कि आज एक शुभ दिन है अक्षय तृतीया का और इस दिन एक बड़ी बेमेल से शादी हुई है। खैर, उसके लिए इन्हें शुभकामनाएं। और बेमेल इसलिए है कि 98 में भी इनका एक बार समझौता हुआ था और उसी दिन इलेक्शन के दिन शाम को ही वो समझौता टूट भी गया था, वो हम सब लोग जाते हैं। और देखिए इसमें इनेलो खुशी किस बात की मना रही है, एक ऐसा दल यूपी से जो अपना पूरा का पूरा अस्तित्व खो चुका है, उसको एक बैसाखी की तरह उस बैसाखी का इस्तेमाल करके यह हमारे हरियाणा राज्य में जिनका कि वहाँ कोई नेता भी नहीं है कुछ, उनको उनकी बैसाखी को लेके हरियाणा में ये सत्ता में आना चाहते हैं। तो इस तरह से जो इनके जो गठबंधन है वो अपने आप में ही बड़ा बेमेल सा है और पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। उनके अपने समीकरण जो है वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, सत्ता की लोलुपता है, सत्ता की भूख है। चुनौती हो सकता है? नहीं, हमारे लिए किसी तरीके से चुनौती नहीं है। हमारे जो हमारा अपना जो गठबंधन है, हमारी अपनी पार्टियां बहुत मजबूत होती जा रही है और इसी की वजह से जो दूसरी पार्टियां वो हाशिए पे जा रही है, तो वो हमारे लिए किसी भी तरह की चुनौती नहीं है। हम अपने कार्य जो है वो करते रहेंगे और उसमें हमारी जनता में अच्छी साख भी बनी हुई है और नेचुरली हम पूरे के पूरे नंबर लेके हम अगली बार फिर हम ही सत्ता में आएंगे। नरेंद्र विद्या अलंकार जी, हरियाणा की जो राजनीति है खासतौर पर फिलहाल जिस तरह के समीकरण है उसमें इस गठबंधन के मायने क्या समझा जाए? देखिएगा ज्योति जी, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव कब होते हैं। चुनाव लोकसभा के साथ विधानसभा के होते हैं या विधानसभा के अलग से चुनाव होते हैं। अगर लोकसभा के साथ चुनाव होते हैं तो ये गठबंधन को फायदा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब 3-4 दिन से आप देख लो पैसों की कमी है, एटीएम खाली हैं, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को सीधा असर डालते हैं। तो ये चीज़ें अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ महीनों में नहीं संभली, हालांकि मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा पीछे जा चुकी है और लोगों के अंदर जो उनकी विश्वसनीयता थी कि कांग्रेस को हटाने के बाद हमारे लिए किसानों के लिए जवानों के लिए बहुत कुछ करेगी, उस पर विराम लगा है। दूसरी बात रही गठबंधन की, देखिएगा यहाँ विश्वसनीयता का सवाल मायावती जी का भी है जी। और लोकदल को जो पहले गठबंधन हुआ है चुनाव से, लोकसभा का 1 साल बाकी है और विधानसभा का 1.5 साल के करीब बाकी है, तो उस चुनाव आने तक गठबंधन किस तरीके से मजबूत होता है, क्या क्या प्रदेश में गतिविधियां होगी, और गतिविधियों से ही आपको 1-2 महीने में संकेत मिल जाएगा कि ये गठबंधन लंबा चलेगा या जल्दी विराम लग जाएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि आज के दिन अगर मैं मानूं और 2014 के चुनाव को देखते हुए विधानसभा के, तो निश्चित रूप से इनेलो फायदे में रहेगा क्योंकि इनेलो ने 20 सीटें विधानसभा की जीती, लोकसभा को हम छोड़ दें, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा अगर आप ये माने ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं थी, ये जीत सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की थी और नरेंद्र मोदी जी की जो विश्वसनीयता है, उन्होंने जो काम किए हैं, ऐसा नहीं खराब, अच्छे काम भी बहुत किए हैं, लेकिन लोगों के लिए कुछ चीज़ों ने ऐसे काम हैं कि लोगों को तकलीफें ज़्यादा हुई हैं और ये एहसास कराने में मोदी जी सफल नहीं रहे कि वो लोगों के लिए किसानों के लिए खासकर जवानों के लिए विकल्प हो सकता है। दूसरा, ये मैं ये नहीं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, आज के दिन कमजोर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इनेलो और बसपा के गठबंधन से और कांग्रेस के अंदर जो रिफ्ट है वहां भी 2 गुट बने हुए हरियाणा में और नेशनल लेवल पे भी अभी तक राहुल गांधी जी एहसास नहीं करा सके हैं कि वो नेशनल लेवल पे लीडरशिप दे सकते हैं। वो सारी चीज़ फिर उनके जो साथी थे अभी वो भी
कोई ऐसा मैसेज उन्होंने नहीं दिया है कि हम राहुल जी के साथ चलेंगे। हाँ। वक्तन मीटिंगें तो होती रहती हैं। सत्ता का विकल्प हो सकता है, सरकार का विकल्प बिल्कुल, हो बिल्कुल, सकता है, नीलम जी। क्योंकि 2014 में देखिए ज्योति जी एक बात में कहना, 2014 के अंदर जो चुनाव हुआ था तो लोकदल ने 20 सीट के अलावा 40 सीट पे वो सेकंड रहे थे। सेकंड रहने के बाद लेकिन आपको इसमें सबसे जो अहम चीज वो ये है कि मायावती जी विधानसभा चुनाव और लोकसभा में इन लोगों के साथ कन्वेंसिंग के लिए आएंगी या नहीं आएंगी। अगर कन्वेंसिंग के नहीं लिए नहीं आती हैं तो मैसेज थोड़ा गलत जाएगा। अगर यहाँ 10-15 दिन वो टिक जाती हैं और संदेश देती हैं कि हमारा गठबंधन सही है तो ये इन लोगों के लिए फायदे का सौदा हो। जी पहली बात तो ये कि मोदी जी की विश्वसनीयता और भी ज्यादा बढ़ी है और ज्यादा मजबूत हुई है और किसानों के लिए भी बहुत काम हुई। इस बार का पूरा बजट उस पर आधारित था और स्वामीनाथन की बहुत सारी जो रिकमेंडेशन थी वो मान ली गई हैं। और दूसरा की जो बेरोजगारी की समस्या है हमारे बजट में ही काफी प्रावधान थे जिसमें की उसके अल्टरनेट रिसोर्सेज भी ढूंढे गए। अभी भी हरियाणा सरकार में भी अभी भर्तियां इसीलिए निकाली गई हैं। तो हम पूरी तरह से पूरे इलेक्शन मोड में हैं और जनता के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा उनके लिए कार्य हो सकते हैं उतने उनके लिए कर भी रहे हैं। तो जनता में हमारी स्वीकार्यता बढ़ी है, हमारा जो एरिया है ऑफ एक्सेप्टेंस वो बढ़ा है। तो हमारे लिए ये जो दूसरे दल है इनका गठबंधन किसी भी तरह से थ्रेट नहीं है। हम अपने ही तरीके से जनता की सेवा करते रहेंगे और हमें उनका सहयोग मिलता रहा है। और अशोक चेरवाल जी, आप लोगों के लिए इस गठबंधन को बरकरार रखना भी चुनौती होगी। जैसे कि नरेंद्र विद्यालंकार जी ने कहा कि अगले 2-3 महीने में साफ हो पाएगा कि कितना लंबा ये गठबंधन चलेगा, साथ चलेगा। ज्योति जी, मैंने पहले ही कहा है कि ये दो दलों का मिलन नहीं है, ये दो दिनों का मिलन है। देखिए ये क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का मिशन जो है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति, राजनीतिक चेतना, दोनों के दलों ने, बड़े नेताओं ने तीनों मुद्दों के ऊपर काम किया है। सामाजिक परिवर्तन के लिए, आर्थिक मुक्ति के लिए और राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए इस देश के अंदर संघर्ष किया और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। जहां तक 1999 में पूरी हो गई थी राजनीतिक चेतना या सामाजिक जो बदलाव करना था वो पूरा हो गया था। मिशन पूरा हो गया, चलिए अलग अलग चलते हैं। मेरी बात पूरी नहीं होने, ज्योति जी मैं बतला रहा हूँ ना, जहां तक गठबंधन की बात है और अपनी नीलम जी ने अभी बात करी है कि बीजेपी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तो लेकिन हम गांव-गांव के अंदर जाते हैं, हम फील्ड में ही घूमते हैं। आज गांव के अंदर एक आवाज उठती है कि भाजपा भगाओ बेटी बचाओ, भाजपा भगाओ बेटी बचाओ। आज इनके एमएलए फंस रहे हैं, प्रधानमंत्री तक कोई बयान नहीं देते हैं। जी प्रधान, मैं कहा किसने दिया, मैं कहता हूं कितने दिन, एक साल के बाद विधायक को पकड़ा जाता है। आज बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है जी, हरियाणा काफी सुरक्षित है। भाजपा का करैक्टर आज सामने आया है। आज 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 बच्चों के बारे में कहते हैं, नौकरियों के बारे में कहते हैं, सीबीएसई के पेपर लीक हो जाते हैं, भविष्य के साथ आदि खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर ये चुनावी गठबंधन था उस वक्त भी, अब भी चुनावी गठबंधन। उस समय बीजेपी का चेहरा नहीं देखा था लेकिन आज बीजेपी का चेहरा हम देख चुके हैं। ये कांग्रेस से भी चार कदम आगे है। आज बीजेपी का चेहरा सामने आ चुका है और आज ये गठबंधन जो आज हमारा हुआ है, ये पूरा जो है। भी हमारे नेता ने बोला है, एक भाई बहन का नाता आप देखिए ना, ये जो लोग देवीलाल गठबंधन रहेगा, दो दिनों का गठबंधन रहेगा और सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति और राजनीतिक चेतना इस देश के अंदर जब तक नहीं पूरी होगी तब तक ये गठबंधन इस तरह बनता रहेगा। तो मानकर चला जाए कि मायावती को पीएम देखती है इनेलो भी, बिल्कुल जी, बहन मायावती जी इस प्रदेश देश के प्रधानमंत्री तीसरा गठबंधन तीसरा मोर्चा देश के अंदर राज करेगा और जिसकी अगुवाई बहन मायावती जी करेंगी। ज्योति जी आप देखिए, अभी बहन भाई की बात कर रहे थे, ये वही भाई बहन होते हैं जो कलाई पे पहले राखी बंधवाते हैं फिर उसी बाजू को काटने का काम करते हैं। पिछली बार जब इनका मेल हुआ आप देखिए कि इतिहास दोहराया गया, वहां पे विधायकों को बाद में कैसे पीटा गया, मंत्रियों के मुंह काले किए गए, उनको मजबूर ज्योति। तो दलितों साथी
कमेरों किसानों की सरकार होगी, सरकार बनेगी 2019 में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव गठबंधन में लड़े जाएंगे, किसको कितनी सीटें निर्धारित की जाएंगी, हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया कि सीएम का चेहरा कौन होगा, ये भी अभी इंतजार का विषय रहेगा। लेकिन ये गठबंधन हरियाणा की जनता को कितना समझ आएगा, कितना दूर तक ये जाएगा, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही दलित जो वोट बैंक है उसको रिझा पाने में पार्टी कितनी कामयाब हो पाएंगी, चर्चा एक बार फिर से करेंगे। रंजीता जी, क्या लगता है दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने, अपनी तरफ रिझाने में, या फिर कितना बड़ा वो वोट बैंक हो सकता है जो प्रभावित होगा इस गठजोड़ से? देखिए ज्योति जी, अगर दलितों की बात करते हैं तो दलित किसी एक पार्टी विशेष के साथ नहीं जुड़े हुए, वो सभी पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं। और जहां तक बीएसपी का सवाल है, बीएसपी को हरियाणा में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तिनके को जैसे सहारा होता है, उसी तरीके का सहारा लिया गया है इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा। और आप ये देखेंगे कि इस जो इनकी प्रेस वार्ता हुई है उसके अंदर एक भी चीज क्लियर नहीं की गई कि कितनी पार्टी, कितनी सीट्स पे कौन सी पार्टी लड़ेगी, कौन इनका मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्योंकि वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा हैं। एक एक चाहता है कि गैर जाट मुख्यमंत्री बने और दूसरा चाहता है कि जाट ही मुख्यमंत्री बने। तो जो आने वाले जो समय है उसके अंदर, जैसे भाजपा कहती है कि राम मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, उसी तरीके से ये भी ये कहते हैं कि हम गठबंधन तो करेंगे पर कितनी सीट्स पे कौन कैसे लड़ेगा वो हम अभी क्लियर नहीं करेंगे। तो आज का इतिहास जो है, राजनीतिक बंटवारा आज जब जब हुआ है तब तब जो है हरियाणा के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया है। और आने वाले समय में बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप देखेंगे ये गठबंधन आपको फिर से बैसाखियों पर नजर आएगा, टूटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीएसपी का पहले हचका से भी गठबंधन हुआ था और पहले भी बहुत सी पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। पर आपको याद दिलाना चाहूंगी, इंडियन नेशनल लोकदल का जब टेन्योर था, सबसे ज्यादा दलित आंदोलन उस टेन्योर के अंदर हुए, 10 से 15 आंदोलन सिर्फ दलितों ने उस टेन्योर के अंदर किए, क्योंकि उनके ऊपर भरपूर अत्याचार हो रहे थे। झज्जर में एक लड़के की मौत हुई थी, 5 बच्चों को मारा गया था, विधायकों के मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है। तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर दलित एंटी विरोधी चेहरा जो है इंडियन नेशनल लोकदल का बाबा देखने को मिलता है। बहुत सारे कांड आ जाएंगे सामने, फिर मिर्चपुर चले जाएंगे। देखिए अभी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। नरेश जी, आप ये बताइए, एक पार्टी वो है जिसके नेता ये कहते हैं, जो कि रंजीता जी ने कहा पैनल पर, कि वो पहले जाट हैं उसके बाद वो पार्टी के नेता हैं। एक पार्टी वो है जिसके सुप्रीमो ये कहती हैं कि उनको सीएम एंटी जाट चाहिए, जो कि रंजीता जी ने कहा, इसका जवाब दीजिए। दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं हैं, बिल्कुल उलट विचारधाराएं हैं एक दूसरे की, वो कैसे चल पाएंगे? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी में कोई विचारधारा का अंतर नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, ये किसान मजदूर दलित पिछड़े कमेरे वर्ग किसान मजदूर का ये गठबंधन है, और इसमें सर्व समाज के लोग, चाहे अपर कास्ट के लोग हों, वो भी इस गठबंधन का दिल से साथ देंगे। और ये जनता का फैसला है, जनता की चाहत के ऊपर ये फैसला लिया गया है, और ये गठबंधन मजबूत गठबंधन है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस का राज आता है तो कांग्रेस के राज में दलित का बेटा अगर घड़े से पानी पी लेता है तो उसके हाथ कटवा दिए जाते हैं, और आज बीजेपी की सरकार है, आज दलित का बेटा घोड़ी पे बैठ करके शेराबंदी नहीं कर सकता, दलित बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये दलित उत्पीड़न है, दलित उत्पीड़न है, महिलाएं को प्रतिपीड़न है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपसे ही सवाल थे, जब बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा तैयार किया जाएगा, क्या कांग्रेस को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, क्या कांग्रेस के साथ बीएसपी नहीं जाएगी, फिर बताइए। देखिए, ये जो फैसला किया गया है, ये हरियाणा से कांग्रेस और बीजेपी को मुक्त करने का फैसला है, सिर्फ हरियाणा से, हरियाणा से देश से भी मुक्त होगी कांग्रेस और बीजेपी भी मुक्त होगा, क्योंकि ये दोनों पार्टियां ये एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं, दोनों पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। अडवाणी जी फरीदाबाद में आए थे, उन्होंने कहा था अगर जनता हमारे से नाराज है तो वोट कांग्रेस को दे देना, इनमें कोई फर्क नहीं है कांग्रेस बीजेपी में, ये अंदर खाते दोनों पार्टियां मिली हैं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये दोनों पार्टियां। मेरी कमीज आपकी कमीज से ज्यादा सफेद है पर मेरे लिए दाग अच्छे हैं। देखिए, अभी 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 हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, और पहला ट्रायल उपचुनाव में दिखाया, जहां पर दो मुख्यमंत्री मौजूदा, एक डिप्टी एक सीएम, दोनों को बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे करके हराने का काम किया, जिनकी 40 साल की आपके गठबंधनों से नहीं आए, और ये ईवीएम जहां पर जितना ज्यादा योगी को नींद आती है उत्तर प्रदेश में, ना मौर्यों को नींद आती है, और आज के बाद कांग्रेस और बीजेपी को हरियाणा में भी नींद नहीं आएगी। राजनीति में एक नया बदलाव आया है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है, और ये गठबंधन औपचारिक रूप से जो बताया गया है उसके अनुसार लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को दूर भगाने के लिए यह गठबंधन बड़ा कारगर होगा। इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी से बात करते हैं। बेदी साहब,
इस गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? ये गठबंधन हुआ है, ये हरियाणा की राजनीति के अंदर पहला गठबंधन होगा, ना लोकसभा का चुनाव है ना विधानसभा का चुनाव है। ये गठबंधन क्यों हुआ है इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी की लहर चल रही है और हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर जी ने मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग के लिए जो महत्वपूर्ण योजना चालू की हैं, आज ये लोग उससे घबरा कर उससे इनको एक फोबिया हो गया और आज इनके कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से भगदड़ मची हुई है, कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, इनके कार्यकर्ताओं का, इनके नेताओं का, इनके विधायकों का मनोबल टूटा पड़ा है। सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए दोनों दलों ने मजबूरी के अंदर इकट्ठा होने की बात की है। और गठबंधन किस प्रकार का, ना कोई सीटों की घोषणा, ना कोई लोकसभा की सीट की घोषणा, ना कोई विधानसभा की सीट की घोषणा, एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों ने गठबंधन किया है। और यदि दूसरे शब्दों में कहूँ, ये सांप और नेवले की शादी है। अब नेवला सांप को खाएगा या सांप नेवले को खाएगा, ये गर्भ में छुपी बात है, और कौन छूट के भागेगा किससे, ये भी छुपी बात है। परंतु मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, 1998 के अंदर भी लोकसभा चुनाव के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जी और मायावती जी का गठबंधन हुआ था, परंतु जैसे ही प्री पोल एक 5 बजे शाम को चला, चुनाव की ख़त्म होते ही, और शाम को ही ओम प्रकाश चौटाला जी ने मायावती से गठबंधन तोड़ दिया था। अभी तो सीएम योगी की ओर से यूपी में कहा गया था सांप और छछुंदर की शादी और गठबंधन कहा गया था। यहां राज्य मंत्री कहते हैं कि सांप और नेवले की शादी है, कितनी कामयाब हो पाएगी इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। अशोक जी, क्या लगता है, कोई विचारधारा नहीं मिलती है, कोई किसी तरह का कहें कि किसी भी मुद्दे पर एकमत नहीं है, जो कि बीजेपी को लगता है सिर्फ बीजेपी से डर कर ये बौखलाहट है कि दोनों पार्टियां एक साथ आ गई है, जो कि राज्य मंत्री ने कहा अभी सांप और नेवले की शादी। जहां तक विचारधारा की बात है ज्योति जी, दोनों पार्टियों की समान विचारधारा है। कौन सी विचारधारा समान है? मेरी बात सुनिए, बात बोल रहे आप। साहब श्री काशीराम जी ने इस देश के अंदर जो आंदोलन खड़ा किया था, वो कौन सा आंदोलन था? दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने के लिए, पिछड़ों को ऊपर उठाने के लिए, किसानों को ऊपर उठाने के लिए, सर्व समाज को बराबरी पे लाने के लिए, वो आंदोलन इस देश के अंदर साहब श्री काशीराम जी ने शुरू किया था, इस दूसरे दलों से हट करके, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है। और यही चीज जननायक विपुल चौधरी देवीलाल जी ने इस देश के अंदर दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए संघर्ष किया, केवल किया। दोनों नेताओं ने यदि किया है आम जनमानस के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और किसानों के लिए यदि संघर्ष इस देश के अंदर नेताओं ने किया, तो जननायक विपुल चौधरी देवीलाल जी ने और साहब श्री काशीराम जी के द्वारा आंदोलन खड़ा करके और एक विचारधारा के माध्यम से कार्यकर्ताओं को एक फौज खड़ी करी है। इंडियन नेशनल लोकदल भी एक कैडराइज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी भी एक कैडराइज पार्टी है। इसलिए दोनों का आज ये गठबंधन जो हुआ है, दलों का नहीं बल्कि दिनों का गठबंधन हुआ है और ये लंबा चलने वाला है। बीएसपी करीब करीब खत्म हो चुकी है, बीएसपी कोई खत्म नहीं हुई है, करीब करीब आंकड़ों के आधार पर अगर बात की जाए कितनी सीटें हैं, कहां पर कितनी सीटें हैं, आज ये क्यों गठबंधन किया गया, हरियाणा में कितनी मजबूत है, गठबंधन क्यों किया गया, जो कि इसका एक कारण है। कहा ये जा रहा है कि इनेलो भी जिस तरह से 3 कार्यकाल खो चुके हैं, कि सत्ता से आप लोग बाहर हैं, इसलिए ये गठबंधन का सहारा लिया गया आप लोगों की ओर से। अशोक जी देखिए, आज ये गठबंधन यदि किस लिए हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो हालात आज देश और प्रदेश के अंदर बने हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। आज कानून व्यवस्था की प्रदेश के अंदर भी देश के अंदर धज्जियां उड़ रही हैं, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, किसान आज सड़कों पर संघर्षरत है, आज मजदूर अपनी मजदूरी के लिए भटक रहा है, आज नौजवान बच्चे नौकरी के लिए भटक रहे हैं, SSC बोर्ड के पेपर लीक हो जाते हैं, SSC के पेपर लीक हो जाते हैं, आज बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आज GST लगा करके आज आम जनमानस की जेब काटी जा रही है। आपको लगता है बड़े बड़े मदद करेंगे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए GST लगाई गई है, उसको भी आज निलंबित कर दिया। देखिए जो के साथ वो चले गए, जो सत्ता के लोभ में जो जाएगा उसको निलंबित ही होगा, पार्टी लंबित करेगी और क्या करेगी। आज यदि आज बीजेपी की गोद में जाकर के वो बैठे हैं तो पार्टी निलंबित ही करेगी उसको। तो जहां तक पार्टी की विचारधारा का मामला है, दोनों पार्टियों की एक विचारधारा है और दोनों मिलकर के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए मिलकर के बनाएंगे हरियाणा की नई पहचान, जो आज हरियाणा की पहचान खो दी है, खो चुकी है। और भाजपा ने ज्यादा हरियाणा की जो यानी कि तोमत लगाने का काम कांग्रेस ने भी किया था और आज हरियाणा के हरियाणा प्रदेश का जो नाम यानी कि बदनाम करने का काम भाजपा ने किया है। मैं कहता हूँ बार बार जाके बाहर आता है, मैं कहता मुझे पता है हरियाणा प्रदेश के अंदर मिर्चपुर कांड हुआ है,
मैं कहता हूँ SC ST आयोग आया प्रदेश के अंदर देखिए जनता जनता बहुत दुखी है हरियाणा प्रदेश में, किसान दुखी, व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी, दलित दुखी, पिछड़ा दुखी, छात्र दुखी, तमाम वर्ग के लोग सब दुखी हैं और दीन दुखियों को हर उनकी पीड़ा को हरने के लिए ये गठबंधन है और जनता की फैसला है। कितनी सीटों पर आप लोग आएंगे, कितनी सीटों पर इनेलो रखेगी, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए फैसला अभी बाद में होगा, अभी तो आज डिक्लेयर हुआ है, आज तो ये गठबंधन हुआ, औपचारिक घोषणा हुई है इसकी आज, और इसका जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये बैठ करके सारे फैसले हो जाएंगे। नीलम जी देखिए गठबंधन की घोषणा की जाती है, ना BSP सुप्रीमो पहुंचती है, ना इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला रहते हैं, हालांकि ये कहा गया कि वो ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने गए थे, लेकिन ना दुष्यंत रखे ना मायावती रखे। जी पहली बात तो कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हो चुके हैं और खिलाड़ी भी आ चुके हैं, ठीक है वो तो एक बहाना है। अब ये देखिए जिस चीज की खुशियां मना रहे हैं उस खुशी में इनकी मायावती ही खुद नहीं है और ना ही दुष्यंत और दिग्विजय जी हैं, तो एक ये बड़ी बेमेल सी शादी है, बड़ा राजनीतिक लाभ के लिए एक भूख है जो दोनों पक्षों में है, तो एक दूसरे का सहारा ढूंढ रहे हैं दोनों अपनी बैसाखियों पे हैं। और रही बात जो है दलित वर्ग की, अभी देखिए जो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी जीती वो दलित वर्ग की वजह से थी, वो हमारे साथ है, और भीमराव अंबेडकर जी के लिए जो अभी कितने काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया, कभी किसी और, जितने मोदी जी के टाइम में हुए हैं, जो एक आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, आपके नेता जान देते हैं कि आरक्षण खत्म होने से पहले अंबेडकर की मूर्तियां क्यों टूट रही है, पूरे कहीं नहीं हो रहा है, देश के अंदर बाबा साहब की मूर्तियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, शेरवाल साहब प्लीज बोलिए। देखिए बाबा साहब अंबेडकर की पूरे देश में जवाब लेंगे ना, सुनिए अभी नीलम जी बोलिए। जी पहली बात है इतना झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है, हमारा SC ST एक्ट पहले की तरह मजबूत है और हमारी गवर्नमेंट ने उसके लिए फिर से अभी एप्लीकेशन भी फाइल की है ताकि उसको किसी भी तरह से डायल्यूट ना किया, डायल्यूट कभी भी नहीं हो सकता, हमारी गवर्नमेंट थी जिसने ऐसी एक्ट को और भी ज्यादा मजबूत किया था और जिसमें कि बहुत सारे बार में कई बार की बात वो आप लोगों के जो अपोजिशन पार्टी है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप नरेंद्र विद्यालय वर्ग पूरे सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के कारण होना पड़ा, तो ये झूठ फैलाया गया था अपनी तरफ से, सोते वर्ग को आप ये वर्ग जानते हैं कितना प्रतिशत वोट बैंक ऐसा है जो प्रभावित हो सकता है या खिसक सकता है इनेलो के साथ? नहीं वोट परसेंट तो ज्यादा है क्योंकि देखो लोगों की परेशानियां तो बड़ी है और ये नहीं है कि BJP के आने से बड़ी है, कोई भी सरकार आ जाए वो सोल्यूशन तो निकाल ही नहीं सकती, जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं, जवानों की बढ़ रही है, तो सोल्यूशन तो किसी के पास नहीं है, फिर भी कोशिश अगर है तो सारी पार्टियां इकट्ठी होगी कोई एक एजेंडा लेके चले तो देश का भला हो सकता है, अदरवाइज। अच्छा दूसरा आपने जो पूछा है कि परसेंटेज कितना बड़ा है, देखिएगा ये संदेश जाने की बात है, अगर लोगों में ये संदेश जाएगा कि ये लोग सरकार बना सकते हैं तो इनका परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाएगा। अब आप देखिए 2009 में भारतीय जनता पार्टी के पास 2% वोट था, जैसे ये मैसेज गया कि मोदी जी का कि ये सरकार आएगी तो एकदम से प्रतिशत है ना वो 45 तक चला गया कई जगह, तो इसी तरह से अगर ये संदेश लोगों ने स्वीकार कर लिया, देखिए लोगों की परेशानियां तो है, तो ये सीधा सीधा है कि इनको फायदा होगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा फिर इस बात पर स्टिक करता हूँ कि वो डिपेंड करेगा कि लोकसभा का चुनाव पहले होता है या विधानसभा के साथ होता है, अगर पहले होता है भारतीय जनता पार्टी रिटेन करती है तो निश्चित रूप से BJP को इतना खतरा नहीं है,
अगर कांग्रेस अगर बीजेपी चली जाती है तो उसका कांग्रेस को भी फायदा होगा और विधानसभा में इन लोगों और इस गठबंधन को फायदा होगा। देखिएगा लोग ज्योति किसान ज्योति जी देश के लोग इतने सियाने हैं कि चार चुनाव अलग अलग कर एक ही साथ करवा ले लोग विधानसभा में किसको लाना है लोकसभा में किसका परिषद में पंचायत में एकदम से अलग अलग करके लोगों को जिनके जरूरत होती है दलित पिछड़े और किसान अगर एक साथ आएंगे जो कि दोनों पार्टियों को लगता है तो कांग्रेस के लिए नुकसान या चुनौती। देखिए आज चाहे भाजपा की बात कर लीजिए एनएनडी की बात कर लीजिए और अब बसपा की भी बात कर लीजिए आज सारी पार्टियां बौखलाई इसलिए हुई हैं कि हर जगह पर आज एक ही वर्चस्व है और एक ही आवाज उठ रही है कि कांग्रेस की वापसी होनी चाहिए क्योंकि 10 साल हमने सत्ता में रहकर जो लोगों के लिए किया आज भी रात को उठ उठ के लोग याद कर रहे हैं कि कब कांग्रेस वापस आएगी। आप देखिए कि जब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ वोट की 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से दलित वोट शेयर जो था वो 22 पॉइंट समथिंग था और अब जो परसेंटेज ऑफ वोट शेयर माना जा रहा है वो 26% माना जा रहा है। पर आप ये देखिए कि जो दलित वर्ग है वो खुद ही बसपा से अपना मुंह मोड़ चुका है। आप सिर्फ दलितों को बसपा के साथ जोड़कर नहीं दे सकते। आज जो मायावती जी परसेंटेज ऑफ वोट शेयर की बात करते हैं पिछली बार उनका वोट शेयर खिसक के 6.47 से खिसक के 4.6 पे आ गया था। तो दिन पर दिन जो है वो सचिव खत्म हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि जो हमारी नेता है वो हमारे काम ना करके बल्कि जो ऐसे गठबंधनों में जोड़ जोड़ती हैं तो कहीं ना कहीं दिल में ही मिल रहे होते और ऊपर से एक प्रेशर आ जाता है कि आप इस चीज को कीजिए जो पहले ही मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं जो आज इनेलो वाले हैं वो बसपा को वोट नहीं डालेंगे जो बसपा वाले हैं इनेलो को वोट नहीं डालेंगे तो आप जबरदस्ती लोगों को वोट शेयर इस तरीके से खिसका नहीं सकते सिर्फ एक गठबंधन करके। वहाँ आप एसपी के साथ चले जाते हैं यहाँ पिनेलो के साथ आ जाते हैं कि सरकार के खिलाफ जी वर्चस्व की ही लड़ाई है कि आप लोग कायम हैं ये साबित किया जाए किसी तरह से गठजोड़ करके। जो एससी एसटी ओबीसी और सर्व समाज के लोग हैं आज वो इन सरकारों से दुखी हैं वो कांग्रेस की नीतियों से भी दुखी हैं। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी होती तो फिर ये बहुमत से 44 सीटों पर क्यों आकर के सिमट गई लोकसभा में 44 सीटों पर सिमट गई आकर के। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के बाद तीसरे नंबर की पार्टी है। भी कोई चीज होती है जनाब। ये गठबंधन होने से जनता में खुशी की लहर है गांव-गांव में लड्डू बांटे जा रहे हैं गांव-गांव में लोग भाईचारे के आधार पर और बड़े मजबूत गठबंधन का फैसला हुआ है। आप समाजवादी पार्टी को सहयोग देते हैं ना साथ देते हैं समाजवादी पार्टी को हमारा तीसरा फ्रंट आज ये हुआ है तीसरे मोर्चे में कांग्रेस की चौटाला कहते हैं अभी बीएसपी की ओर से पूरी तरह से बिल्कुल साफ लगी है कि कांग्रेस को भी आप लगी मायावती जी क्लियर करेंगी अभी तक कांग्रेस पार्टी अभी तक कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ है वहां अभी तक शामिल नहीं किया गया है तो इसका निर्णय बहन जी बिल्कुल क्लियर करेंगी। लेकिन इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन बहुमत में ज्योति जी मैं रंजीता जी का बात के ऊपर देना चाहूंगा। रंजीता जी ने कहा है कि इनके दिल नहीं मिलेंगे लेकिन मैं रंजीता जी से पूछना चाहता हूँ मैं नहीं कहती सुनो तो सुनो ये आंकड़े सुनो मेरी तो सुन लो ये 1998 का इतिहास बताता है क्या रुद्रा जी का तवर के साथ दिल मिलता है 1998 का इतिहास बताता है जिनके साथ दिल मिलता है मैं नहीं कहती क्या किरण का सैलजा भी साथ लोग कहते हैं चर्चा हमने की गठबंधन को लेकर गठजोड़ को लेकर तो गठबंधन से क्या वनवास टूटेगा इसको लेकर चर्चा की और दोनों ही पार्टियों का कितना फायदा हो सकता है जनता को हरियाणा की जनता को ये गठबंधन कितना समझ आ सकता है उसको लेकर जवाब भी फिलहाल दीजिए इजाजत नमस्कार।